Assalamu alaikum students, welcome to the online academy of mathematics videos. Calculus by SM Yusuf ki exercise 3.1 start karte hain aur aaj ke is lecture mein is exercise ke first 6 questions cover karaye jayenge. Question number 6 mein aapko homework assignment ke taur pe dunga. In questions ke andar aapse kaha ja raha hai discuss the validity of Rolle's theorem. Find C whenever possible such that f prime of C is equal to 0. Aapse kaha ja raha hai ke गिवन फंक्शंस पर रोल्स थ्योरम की वैलिडिटी चेक करें, यानी कि चेक करें कि इन फंक्शंस के ऊपर रोल्स थ्योरम अप्लाई किया जा सकता है या नहीं. अगर किया जा सकता है तो फिर आपने सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इस इक्वेशन एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो को सेटिस्फाई करता हो. तो स्टार्ट करते हैं. इन क्वेश्चंस को समझने के लिए हमें रोल्स थ्योरम को स्टेट करना आना चाहिए. याद रहे कि आर्टिकल्स के अंदर हमने इस थ्योरम को स्टेट करना सीखा था, उसके अलावा प्रूफ करना भी सीखा था, और इसके अलावा एग्जांपल्स में हमने इस थ्योरम को यूज़ करना भी सीखा था. मैं जस्ट आपको अभी इसकी स्टेटमेंट रिकॉल करवा लेता हूँ. सपोज करें कि आपका फंक्शन एफ किसी क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम ए टू बी के ऊपर कॉन्टीन्यूअस है. इस चीज़ को हम इस तरह से रिप्रेजेंट किया करते हैं. और इसके अलावा सपोज़ करें कि इस इंटरवल के करस्पॉन्डिंग ओपन इंटरवल यानी ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी के ऊपर आपका फंक्शन एफ डिफरेंशिएबल है, यानी कि एफ प्राइम ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है, डिफाइंड है जब भी एक्स इस ओपन इंटरवल से बिलोंग करेगा. ठीक हो गया. और तीसरा पॉइंट ये है कि आपके फंक्शन की फंक्शनल वैल्यूज़ एट दी एंड पॉइंट्स इक्वल हैं, यानी एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी ये दोनों इक्वल हैं. अगर आपका फंक्शन एफ इन तीन अजम्पशंस को सेटिस्फाई करता है तो फिर रोल्स थ्योरम कहता है कि इस ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी में से एक पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि जिसके ऊपर जब आप इस फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इवेल्यूएट करेंगे यानी एफ प्राइम ऑफ सी की वैल्यू निकालेंगे तो वो ज़ीरो के इक्वल आएगी. इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी हमने सीखा था कि अगर आपका फंक्शन इन तीन अजम्पशंस को सेटिस्फाई करता है तो फिर इस ओपन इंटरवल में से एक ऐसा पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा कि आपका फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम होगा. ठीक हो गया. तो हमें क्या कहा गया कि आप चेक करें कि आपका गिवन फंक्शन इसके ऊपर रोल्स थ्योरम अप्लाई किया जा सकता है या नहीं. अप्लाई उस वक्त होगा जब आपका फंक्शन रोल्स थ्योरम के हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई कर दो. अब ये जो फर्स्ट तीन पॉइंट्स हैं ये अजम्पशंस हैं, और ये अजम्पशंस आपके फंक्शन एफ के ऊपर, और यही अजम्पशंस इस थ्योरम के हाइपोथेसिस हैं. ठीक हो गया. अगर आपका फंक्शन इन तीन अजम्पशंस को सेटिस्फाई करता है तो फिर इसके ऊपर रोल्स थ्योरम वैलिड है. ठीक है. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे. इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको फंक्शन गिवन है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2, और जिस इंटरवल के अगेंस्ट आपने इस फंक्शन पर रोल्स थ्योरम की वैलिडिटी चेक करनी है वो इंटरवल है क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम 1 to 2. ठीक हो गया. तो ये आपका क्वेश्चन है. अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे. सबसे पहले हमने चेक करना है कि आपका फंक्शन एफ इस क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर कॉन्टीन्यूअस है या नहीं. इसके लिए एक चीज़ रिकॉल करें जो मैं आपको चैप्टर नंबर 1 में बता चुका हूँ कि अगर आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस के समेशन के फॉर्म में है. सपोज़ करें कि एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स के सम की फॉर्म में है, और इसकी डोमेन क्या है. सपोज़ करें डोमेन ऑफ जी और इसकी डोमेन ऑफ एच. अगर ये दोनों फंक्शंस अपनी डोमेन्स के ऊपर कॉन्टीन्यूअस हैं तो ये जो आपका फंक्शन एफ है वो भी कॉन्टीन्यूअस होगा इन दोनों की डोमेन्स के इंटरसेक्शन के ऊपर. ठीक है.
अगर इनकी डोमेन्स जिनके ऊपर ये कॉन्टीन्यूअस हैं वो दोनों सेम है तो फिर डेफिनेटली इनका इंटरसेक्शन वही वाली डोमेन बनेगी, तो आपका फंक्शन उसी डोमेन पर कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा जो इन दोनों की डोमेन्स हैं, सेम डोमेन्स, ठीक हो गया। इसी तरह से अगर ये इनके डिफरेंस के फॉर्म में है फिर भी यही वाली चीज़ वैलिड होगी। इसी तरह अगर ये इनके प्रोडक्ट के फॉर्म में है जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड विद एच ऑफ एक्स तब भी यही चीज़ वैलिड होगी, ठीक हो गया। यानी कि आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूअस होगा इन दोनों के डोमेन्स के इंटरसेक्शन के ऊपर। और इसी तरह से अगर ये इनके कोशेंट के फॉर्म में हो फिर थोड़ा सा केस डिफरेंट हो जाता है। अब आपका जो फंक्शन है वो इनके इंटरसेक्शन पर कॉन्टीन्यूअस होगा लेकिन आपको वो वाले पॉइंट्स इस इंटरसेक्शन में से निकालने पड़ेंगे जिनके ऊपर आपका जो फंक्शन एच ऑफ एक्स है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो इसकी डोमेन ऑफ डेफिनेशन जिसके ऊपर ये वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो कोशेंट के फॉर्म में है ये उस वक्त कॉन्टीन्यूअस होगा जब इसकी डोमेन क्या होगी, एक तो इनका इंटरसेक्शन, इसमें से क्या निकाल दें वो वाले पॉइंट्स यानी कि वो तमाम वैल्यूज ऑफ एक्स जिनके ऊपर एच ऑफ एक्स ज़ीरो आता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर। तो इस डिस्कशन को यहाँ पर यूज़ करें। अब देखें कि आपका फंक्शन तीन डिफरेंट फंक्शंस के समेशन के फॉर्म में है, एक है एक्स स्क्वायर, एक है 3x माइनस 3x और एक है 2, ठीक हो गया। ये तीनों फंक्शंस इस इंटरवल के ऊपर डेफिनेटली कॉन्टीन्यूअस हैं, तो फिर इसका मतलब हुआ कि ये फंक्शन भी f जो है ये फंक्शन भी इस इंटरवल के ऊपर कॉन्टीन्यूअस होगा, ठीक हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेंस एक्स स्क्वेयर माइनस 3x एंड 2 आर कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑन द इंटरवल फ्रॉम 1 to 2, देयरफॉर द फंक्शन f इज ऑल्सो कंटिन्यूअस ऑन द इंटरवल फ्रॉम 1 to 2, f इज कंटिन्यूअस ऑन 1 to 2 क्लोज्ड इंटरवल। तो पहली कंडीशन तो फुलफिल होगी, इसके बाद अब हमने दूसरी कंडीशन भी चेक करनी है, ठीक हो गया। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा और फिर चेक करना है कि क्या ये डेरिवेटिव इस इंटरवल के ऊपर डिफाइंड है या नहीं। हम देख सकते हैं कि इसका जो डेरिवेटिव निकला है 2x-3 वो इस इंटरवल के ऊपर डिफाइंड है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है इस इंटरवल पर, इस इंटरवल में जिसको यहाँ पर आप फिट करेंगे तो ये डेरिवेटिव इन्फिनिटी आ जाए या कोई अनडिफाइंड नंबर आए, ठीक हो गया। तो ये वाली इक्वेशन आपको बता रही है कि आपका फंक्शन जो है वो इस इंटरवल के ऊपर डिफरेंशिएबल भी है, ठीक हो गया। तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। अब तीसरी कंडीशन चेक करें एंड पॉइंट्स के ऊपर क्या आपकी फंक्शनल वैल्यूज इक्वल हैं या नहीं। एफ ऑफ 1 निकालें, क्या आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 फिर प्लस 2, ये कितना बनेगा 1-3+2 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। और फिर इसी तरह से एफ ऑफ 2 निकालें, आपके पास क्या आएगा 2 स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाइड विद 2 प्लस 2, कितना आएगा 4-6+2, ये कितना बना 0। तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो फंक्शन है वो रोल्स थ्योरम के हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसी वजह से आपका जो ये फंक्शन है उस पर रोल्स थ्योरम वैलिड है और ये आपका आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, आपने सी की वैल्यू निकालनी है जो इक्वेशन एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू ज़ीरो को सेटिस्फाई करता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एफ प्राइम ऑफ सी की वैल्यू निकालनी है। एफ प्राइम ऑफ सी क्या होगा, यहाँ पे एक्स की जगह सी डाल दें तो 2c-3, ठीक हो गया। एफ प्राइम ऑफ सी क्या है, 0, ये आपको गिवन है। तो यहाँ से आपके पास सी का आंसर आता है 3/2, तो ये सी की वो वैल्यू है जिसके ऊपर आपके फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, 0। तो ये था पहला क्वेश्चन, इसका आंसर। अब इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर टू जो कि इसी तरह का है. इसमें जो फंक्शन गिवन है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स और इंटरवल क्या गिवन है 0 to π. अब इसको भी आप कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स मल्टीप्लाइड विथ साइन एक्स. ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, इसकी वेव क्या होगी, साइनोसॉइडल वेव बनेगी. और इसी तरह से दूसरा भी साइन एक्स है, ये दोनों कॉन्टीन्यूस फंक्शंस हैं. अभी हमने डिस्कस किया था कि इनका जो प्रोडक्ट है वो भी उसी इंटरवल के ऊपर कॉन्टीन्यूस होगा जिसके ऊपर ये दोनों कॉन्टीन्यूस. अब ये वाला फंक्शन इस इंटरवल के ऊपर कॉन्टीन्यूस है, ये वाला इस पर कॉन्टीन्यूस है, तो एफ ऑफ एक्स भी डेफिनेटली इसके ऊपर कॉन्टीन्यूस हो जाएगा. ठीक है, तो फिर इसका मतलब हुआ कि पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई. ठीक है जी, अब इसके बाद आपने डिफ्रेंशिएबिलिटी चेक करनी है. एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या बनेगा, 2 sin x cos x. इसको आप साइन 2x भी लिख सकते हैं. क्या इस इंटरवल के अंदर कोई ऐसा पॉइंट है जिसको यहाँ पर फिट करेंगे तो ये डेरिवेटिव अनडिफाइंड है? नहीं जी, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर साइन 2x यानी कि आपका डेरिवेटिव अनडिफाइंड आ रहा है. तो इसका मतलब हुआ कि दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है. ठीक है, इसके अलावा तीसरी कंडीशन एफ ऑफ ज़ीरो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ऑफ ज़ीरो. साइन ज़ीरो कितना होता है, 0, तो उसका जब आप स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, 0. इसी तरह से एफ ऑफ पाई क्या होगा, साइन स्क्वायर ऑफ पाई. ठीक हो गया, साइन ऑफ पाई 0 है तो फिर साइन स्क्वायर ऑफ पाई क्या हो जाएगा, साइन पाई का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, दैट इज़ 0. तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, तो इसका मतलब है कि आपका फंक्शन जो है इस पर रोल्स थ्योरम वैलिड है. ठीक हो गया, तो अब इसके बाद आपने क्या करना है, सी की वैल्यू निकालनी है. तो एफ प्राइम ऑफ सी आपके पास क्या आ जाएगा, साइन 2x में x की जगह क्या डाल दें, सी डाल दें, तो ये साइन 2c आ जाएगा. और इसको किसके इक्वल पुट करना है, ये गिवन है कि आपने इसको 0 के इक्वल पुट करना है. यहाँ से आप सी की वैल्यू निकालें, क्या आएगा आपके पास, 2c इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0. ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है ये आपको पता है, 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2π एंड अप टू सो पाई के सारे इंटेग्रल मल्टीपल्स जो हैं वो साइन इनवर्स ऑफ 0 का आंसर है. ठीक हो गया, अब इनमें से कौन कौन से नंबर्स हैं जो इस इंटरवल के करस्पॉन्डिंग ओपन इंटरवल से बिलोंग करते हैं, ज़रा आप नोट करेंगे. जो आपका सी है वो क्या होना चाहिए, वो इस क्लोज्ड इंटरवल के करस्पॉन्डिंग ओपन इंटरवल यानी ओपन इंटरवल फ्रॉम 0 to π से बिलोंग करना चाहिए. ठीक हो गया, यहाँ से पहले आप सी की वैल्यू निकालें, क्या आएगी, सी जो है वो 0/2, π/2 और फिर 2π/2, ये क्या बनेंगे, 0 प्लस माइनस π/2 प्लस माइनस पाई एंड अप टू सो ऑन. इनमें से कौन कौन सी सी की वैल्यूज़ हैं जो इस इंटरवल से बिलोंग कर रही है, इस ओपन इंटरवल से. सबसे पहले 0 देखें, क्या ये इसके अंदर मौजूद है, नहीं मौजूद, क्योंकि 0 वाली साइड से आपका इंटरवल ओपन है तो 0 इस इंटरवल में इंक्लूडेड ही नहीं है, तो 0 आपका आंसर नहीं है. इसी तरह से माइनस π/2 इसके अंदर नहीं आ रहा, लेकिन π/2 इसके अंदर आ रहा है. ठीक है, इस इंटरवल का मिड पॉइंट है वो, तो इसका मतलब है π/2 इंक्लूडेड है, माइनस π/2 इंक्लूडेड नहीं है. इसी तरह से पाई को देखें, पाई भी इंक्लूडेड नहीं है, तो फिर पाई भी नहीं होगा, माइनस पाई तो बिल्कुल ही नहीं है यहाँ पर. तो इसका मतलब हुआ कि सिर्फ एक ही पॉइंट आ रहा है, वो है सी इक्वल टू π/2 जो इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा. ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे द ओनली वैल्यू ऑफ सी दैट बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल इज सी इज इक्वल टू π/2 एंड दिस इज योर आंसर. ये तो चलो बहुत आसान से क्वेश्चंस थे. क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो फंक्शन गिवन है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 - x³/4. जिस इंटरवल के अगेंस्ट आपने वैलिडिटी ऑफ रोल्स थ्योरम चेक करनी है वो है -1 to 1. अब ये वाला फंक्शन भी डेफिनेटली इस इंटरवल के ऊपर कॉन्टीन्यूस है, क्योंकि एक्स की कोई भी आप पावर रखें, रैशनल पावर, तो वो इस तरह के इंटरवल्स के ऊपर डेफिनेटली कॉन्टीन्यूस आती है.
और 1 तो डेफिनेटली कांस्टेंट फंक्शन है, तो फिर ये इसके ऊपर कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो ये फंक्शन जो है, जो इन दोनों के डिफरेंस के फॉर्म में, वो भी क्या हो जाएगा, ऐसे इंटरवल पर कंटीन्यूअस। ठीक है, तो ये वाली डिटेल्स आप लिख लीजिएगा। दूसरी कंडीशन के एफ प्राइम ऑफ एक्स निकालें, क्या आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, वो ना लिखें, फिर माइनस ऐसे ही, और इस पे आप पावर रूल लगाएंगे, x की पावर 3/4 माइनस 1, कितना आएगा, -1/4, और पावर शुरू में 3/4। ठीक हो गया, तो ये क्या बन गया, -3/4 x की पावर 1/4। ये वाला जो फंक्शन है वो किस पॉइंट के ऊपर अनडिफाइंड है, डेफिनेटली x इक्वल टू 0 के ऊपर। क्या x इक्वल टू 0 इस इंटरवल के अंदर है या नहीं है, डेफिनेटली है, तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू 0 के ऊपर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि ओवरऑल इस इंटरवल के ऊपर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसलिए रोल्स थ्योरम यहाँ पर वैलिड नहीं है। ठीक हो गया, तो ये तो आसान सा क्वेश्चन था। जिनको इस बात की समझ नहीं आई है ना, उनको मैं एक और तरीका बता देता हूँ इसको करने का, वो ये है कि आप तीसरा पॉइंट चेक करें। तीसरा पॉइंट ये था कि आपने चेक करना है कि जो एंड वैल्यूज़ हैं इसके ऊपर फंक्शनल वैल्यूज़ क्या आती हैं, इक्वल आती हैं या नहीं आती। एफ ऑफ 1 जो है वो क्या आएगा, 1-1 की पावर 3/4, 1 की जो भी पावर रखे हैं वो 1 नहीं आती है, तो 1-1 0। ठीक हो गया, और फिर इसके बाद एफ ऑफ -1 निकालें, तो 1-1 की पावर 3/4, इसका क्या आंसर आएगा, ये मुझे भी नहीं पता। ठीक है, ये इतना आसान ही, -1 की पावर अगर रैशनल नंबर्स में से आ जाए, फिर जो है ना बंदे को थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। अब इसको क्या करना पड़ेगा, आप 1-1 का क्यूब और होल पावर 1/4। -1 का क्यूब क्या होता है, -1 होता है, तो ये -1 की पावर 1/4 आ गया। अब -1 की पावर 1/4 इसका क्या आंसर आएगा, ये मुझे नहीं पता, इसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आप क्या करेंगे, इसको x के इक्वल लेट करेंगे, x इक्वल टू -1 की पावर 1/4, दोनों तरफ पावर 4 रेस करें, x की पावर 4 इज इक्वल टू -1। ठीक है, यानी कि x + 1 = 0। ठीक हो गया, इसको आप लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर और इसको 1 का स्क्वायर। फिर इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करें, a² + b² जो कि किसके इक्वल होता है, a + b² - 2ab। ठीक हो गया, इसको अब आप क्या करें, स्क्वायर की फॉर्म में लिखें, तो ये क्या बनेगा, √2x² √2 मल्टीप्लाइड विद एक्स का स्क्वायर, और बीच में माइनस था। अब ये फार्मूला बन गया a² - b² x² + a + b, फिर मल्टीप्लाइड विद a - b, इसको सीधा करके लिखें x² - √2x + 1 = 0। यहाँ से आपके पास दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आ गए, इन दोनों को अलग अलग से सॉल्व करें, x² + √2x + 1 = 0, एक ये फैक्टर आ गया, इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, तो -1 और फिर √2 क्वाड्रेटिक फार्मूले से। इसी तरह से इस वाले फैक्टर को सॉल्व करें, तो x = +1 + -√2। तो यहाँ से आपके पास x के 2 और 2 = 4 आंसर आए हैं। ठीक हो गया, तो इसका मतलब हुआ कि जो ये x की पावर -1/4 है ना, ये किसके इक्वल आता है, ये इक्वल आ जाएगा 1 + -√2 और दूसरे वाला जो है उसमें यहाँ पे -1 आ रहा है, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे और साथ में प्लस लगा देंगे, तो ये 4 आंसर इसके आगे। तो ये वाला आंसर और ये वाले आंसर एक जैसे नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि आपका फंक्शन जो है इसके ऊपर रोल्स थ्योरम वैलिड नहीं है। इसके बाद हम
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसके ऊपर, इसके अंदर जो फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, वो क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड विद 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये कोशेंट वाली फॉर्म आ गई है, माइनस 1 टू 1। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस इंटरवल पर कॉन्टिन्यूस है, और इसी तरह से 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस इंटरवल के ऊपर भी कॉन्टिन्यूस है। और कोई भी ऐसा पॉइंट यहाँ पर है जिसके ऊपर ये वाला जो डिनोमिनेटर वो वैनिश हो जाए? आप चेक कर सकते हैं ख़तरनाक पॉइंट्स कौन कौन से हैं जिसके ऊपर इसके ज़ीरो आने के चांसेस हैं, वो डेफिनेटली एंड पॉइंट्स हैं और इसके अलावा ज़ीरो। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स को यहाँ पर पुट करें, माइनस वन डालेंगे तो ये वन, माइनस वन का स्क्वायर वन बन जाएगा, वन प्लस वन टू, तो इसके ऊपर भी डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं आया। इसी तरह से वन के ऊपर भी वही टू आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं आएगा। ज़ीरो पुट करेंगे एक्स की जगह तो वन आ जाएगा आंसर, तो उस पर भी आपका डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि इस पूरे इंटरवल के ऊपर आपका जो ये वाला जो फंक्शन है वन प्लस एक्स स्क्वायर, वो वैनिश नहीं होता। तो अब चूंकि आपका ये वाला फंक्शन इस पर कॉन्टीन्यूस है, डिनोमिनेटर इस पर कॉन्टीन्यूस है और कहीं पे ज़ीरो भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला फंक्शन जो है वो इस इंटरवल के ऊपर कॉन्टीन्यूस है। ठीक हो गया, तो पहली चीज़ तो यहाँ से हमने डायरेक्टली बता दी, इसको अब आपने इंग्लिश में यहाँ पर लिख लेना। उसके बाद अब दूसरी चीज़ है, दूसरी चीज़ के लिए आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, लेकिन मैं पहले क्या करूँगा, इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखूँगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर बनाएं इसको, वन प्लस एक्स स्क्वायर को बाय रख के लॉन्ग डिवीजन अप्लाई कर दें, और सॉरी वन माइनस एक्स स्क्वायर को बाय रखना है, अंदर रखना है, सॉरी वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर के लिए यहाँ पर माइनस वन चाहिए होगा, तो ये आ जाएगा माइनस वन प्लस और सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा, साइन चेंज करें, सब्ट्रैक्शन करें यानी क्या, तो क्या बनेगा, यहाँ पर टू आ जाएगा और ये दोनों कट हो जाएंगे। तो आपका जो एफ ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस वन प्लस टू डिवाइड विद वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही अपनी आसानी के लिए इसको प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया है, तो इसके बगैर भी काम चल जाता है। एफ प्राइम ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो और इसके ऊपर लग जाएगा पावर रूल, तो वो बन जाएगा माइनस टू डिवाइड विद वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव कितना होता है, टू एक्स, और वो इसको यहाँ पर क्या बना देगा, फोर एक्स, टू टू ज़र फोर। ठीक हो गया, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स आ गया। कोई ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर आपका ये फंक्शन जो है वो इनफाइनाइट है, अनडिफाइंड है, इस इंटरवल का कोई पॉइंट? इसका डिनोमिनेटर भी वन प्लस एक्स कह रहा है, बल्कि इसके साथ स्क्वायर हो गया, तो अब जब एंड पॉइंट्स डालेंगे या ज़ीरो डालेंगे तो फिर ये भी डेफिनेटली नॉन ज़ीरो आएगा, नॉन वैनिशिंग आएगा। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो होल चीज़ है वो इसके ऊपर डिफाइंड है, तो इसका मतलब है सेकेंड कंडीशन जो वो फुलफिल हो रही। ठीक हो गया, तो ये तो आसान सी चीज़ थी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, सॉरी एंड पॉइंट्स के ऊपर चेक करना है कि क्या ये इक्वल रिजल्ट्स देता है या नहीं। ठीक है, एफ ऑफ माइनस वन निकालें तो आपके पास आएगा वन माइनस माइनस वन का स्क्वायर डिवाइड विद वन प्लस वन का स्क्वायर, ये कितना आएगा, वन माइनस वन डिवाइड विद टू, ज़ीरो डिवाइड विद टू, दैट इज़ ज़ीरो। इसी तरह से एफ ऑफ वन जो है वो क्या आएगा, वन माइनस वन का स्क्वायर डिवाइड विद वन प्लस वन का स्क्वायर, ये भी ज़ीरो, इक्वल आ गया। रोज थ्योरम यहाँ पर वैलिड है। सी की वैल्यू निकाल दें आप, एफ प्राइम ऑफ सी जो कि ज़ीरो के इक्वल है, किसके इक्वल आएगा, माइनस फोर सी डिवाइड विद वन प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर। अब आप दोनों साइड्स को वन प्लस सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि वन प्लस सी स्क्वायर का जो स्क्वायर है वो ज़ीरो नहीं है। ठीक है, किसके साथ मल्टीप्लाई करें, वन प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या ये ज़ीरो के इक्वल आएगा, सी स्क्वायर जो है वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है,
ये डिनोमिनेटर जो है यानी कि ये वाली क्वांटिटी जीरो सिर्फ उस सूरत में हो सकती है जब सी स्केयर जो वो माइनस वन आए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सी रियल नंबर है। इसके लिए सी को क्या आना पड़ेगा, इमेजिनरी नंबर आना पड़ेगा ना, आयोटा आना पड़ेगा। तो सी तो चूंकि रियल नंबर है तो इसका मतलब है ये केस आई नहीं। तो फिर इसका मतलब हुआ कि ये वाली क्वांटिटी ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो इसलिए आप इसको दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस फोर सी और इधर ज़ीरो मल्टीप्लाइड विद दिस दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, सो सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ख़त्म। तो ये आपका आंसर था। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स मल्टीप्लाइड विद एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाइड विद ई की पावर माइनस एक्स बाई 2, और इंटरवल जो है वो क्या है, माइनस 3 टू 0। ठीक हो गया। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्टीन्यूटी चेक करें। ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन है इस इंटरवल पर, और x प्लस 3 यह भी कॉन्टीन्यूस फंक्शन है इस इंटरवल पर, और ये वाला जो फंक्शन e की पावर माइनस एक्स 2 है इसका ग्राफ ऐसे आएगा, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन है, और ये कहीं पर भी ज़ीरो नहीं होगा, सिर्फ एक ही जगह पर ज़ीरो होगा और वो है x इज इक्वल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और वो तो हमारा केस ही नहीं है। ठीक है, रियल नंबर्स का केस नहीं है वो, और वो इस इंटरवल से बिलोंग भी नहीं करता। तो इसका मतलब है कि ये तीनों फंक्शन इसके ऊपर कॉन्टीन्यूस हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो भी इसी के ऊपर कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। बस ये बात ख़त्म होगी, पहली कंडीशन फुलफिल होगी। दूसरी कंडीशन चेक करें, इनका डेरिवेटिव लें, एफ प्राइम ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा, 1 प्रोडक्ट रूल है। ठीक है, इसके ऊपर डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल लगा लें, पहले वाले का डेरिवेटिव यानी कि 1, बाकी दो एज इट इज़, एक्स प्लस 3 ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 प्लस पहले वाला एज इट इज़ दूसरे वाले का डेरिवेटिव क्या बनता है, 1 वाला लिखें, तीसरे वाला एज इट इज़। ठीक हो गया, और फिर पहले दो एज इट इज़ तीसरे वाले का डेरिवेटिव क्या बन रहा है, ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 और फिर माइनस 1 बाई 2 पावर भी आ जाएगा, पावर का डेरिवेटिव भी शुरू में आ जाएगा, और बाकी जो दो थे वो एज इट इज़ लिखने थे। तो ये आपका एफ प्राइम ऑफ एक्स है, ये भी डेफिनेटली इसके ऊपर डिफाइंड है, क्योंकि ये जो दोनों फंक्शंस हैं x प्लस 3 और e की पावर माइनस x बाई 2 ये इसके ऊपर डिफाइंड है, और इसी तरह से x जो है वो भी इसके ऊपर डिफाइंड है, कहीं पे ये इन्फिनिटी या अनडिफाइंड नंबर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं ये भी क्या हो जाएंगे, इस इंटरवल के ऊपर डिफाइंड हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका ये पूरा जो फंक्शन है यानी कि ये डेरिवेटिव वो इस इंटरवल के ऊपर डिफाइंड हो जाएगा। तो चलो ये भी आसानी से हमने चेक कर लिया। इसके अलावा तीसरी कंडीशन जो है वो है, आपने चेक करना कि एंड पॉइंट्स के ऊपर वैल्यूज एक जैसी आती हैं या नहीं आती। एफ ऑफ माइनस 3 निकालें, क्या बनेगा, एक्स की जगह माइनस 3 और यहाँ पर 3 माइनस 3 क्या हो गया, 0, तो इसका मतलब सारा आंसर ही 0 हो गया। और इसी तरह से एक्स इक्वल टू 0 के ऊपर चेक करें, एक्स आ गया शुरू में प्रोडक्ट में तो 0, तो एफ ऑफ 0 का आंसर भी 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि तीनों जो हाइपोथेसिस हैं रोल्स थ्योरम के वो सेटिस्फाई हो गए, और आपका फंक्शन जो है उस पर रोल्स थ्योरम अप्लाई किया जा सकता है, रोल्स थ्योरम वहाँ पर एप्लीकेबल है, वैलिड है। सीधी सी अब आप क्या करेंगे, सी की वैल्यू निकाल देंगे, एफ प्राइम ऑफ सी इज़ इक्वल टू 0। एफ प्राइम ऑफ सी क्या बनेगी, जहाँ जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पर सी डालते जाएँ, सी प्लस 3 ई की पावर माइनस सी बाई 2 प्लस सी ई की पावर माइनस सी बाई 2 माइनस 1 ओवर 2 सी सी प्लस 3 ई की पावर माइनस सी बाई 2। अब इन सब में क्या कॉमन आ रहा है, ई की पावर माइनस सी बाई 2, तो उसको कॉमन करें और जो बाकी चीज़ें रह गई हैं उनको लिखें C plus 3 और फिर इसके बाद प्लस C और इसके बाद माइनस 1 ओवर 2 मल्टीप्लाइड विद C square plus 3C
c square plus 3c. ठीक हो गया, आप ब्रैकेट को क्लोज करें और इज इक्वल टू ज़ीरो. अब ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये डेफिनेटली किसी जगह पर ज़ीरो नहीं है, किसी भी रियल वैल्यू ऑफ c के लिए ज़ीरो नहीं है. और जो c हमारा इस इंटरवल के ओपन इंटरवल से बिलोंग कर रहा है उसके बाद तो डेफिनेटली ये नंबर ज़ीरो नहीं हो सकता. तो आप इसको दोनों साइड्स पर डिवाइड कर सकते हैं, करेंगे तो यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा और यहाँ से ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी. इसी इसको सिंप्लीफाई करके लिख लें, टू के साथ इस सारे को मल्टीप्लाई कर दें. ये कितना बनता है 2c, तो ये कितना बन गया 4c जब 2 के साथ मल्टीप्लाई किया. और ये क्या हो जाएगा 3 2 6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर और फिर माइनस 3c. ठीक हो गया, इज इक्वल टू ज़ीरो. तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर और प्लस 4c माइनस 3c, कितना हो गया प्लस सी और फिर प्लस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, माइनस कॉमन कर लें तो माइनस सी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर माइनस सी और माइनस 6 आ जाएंगे. इसके बाद इसको फैक्टराइज करें, क्या आएगा सी स्क्वायर माइनस 3c प्लस 2c माइनस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो. सी कॉमन कर लें, सी माइनस 3 प्लस 2c माइनस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो. यहाँ से c इज इक्वल टू 2 आ जाता है और c इक्वल टू माइनस 2 आता है और c इक्वल टू 3 आ जाता है. c इज इक्वल टू 3 इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है कि नहीं, वो तो 0 से आगे चला जाता है. तो इसका मतलब है c इज इक्वल टू 3 जो है ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है. और c इज इक्वल टू माइनस 2 जो है वो इस इंटरवल के बीच में कहीं ना कहीं आ रहा है. तो इसका मतलब है कि यही वैल्यू जो है वो हमारा डिजायर्ड सोल्यूशन है. ठीक हो गया, तो ये था आज का लेक्चर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.